2021 के अंदर वी वर शिफ्टिंग, हम घर शिफ्ट कर रहे थे अपना, एंड हम कराची में थे, एंड हम जो कराची कैंट का एरिया है रेलवे स्टेशन के पास से जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स आप समझते होंगे, तो हम वहाँ पे थे, हम वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे। सो ये दो सिचुएशंस हैं मेरी जो कोलाइड कर गई थी। एक जो हम जिस घर में मूव किए थे उधर अलग सीन था, और मेरे ऊपर किसी ने सफ़ी अमल कराया हुआ था, और ये दोनों चीज़ों का हमें उस वक्त इल्म नहीं था बेसिकली। और मैं अपना बिजनेस कर रहा था, ग्रेजुएट अपने तकरीबन 2 साल हो गए थे, आई वॉज डूइंग लाइक रियली गुड विद इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे घर वालों ने कोई और घर सेलेक्ट किया, और प्रॉपर्टी वाले का फ़ोन आया एंड ही टुक अस टू अनदर स्पॉट। वो घर जो है बेसिकली फ्रेयर हॉल के पास एक सोसाइटी है, छोटी सी बिल्कुल, फैसल बैंक जो पुराना था उसके ऑपोजिट बनी हुई है, आई वोंट टेक द नेम। तो वहाँ पे वो एक बता दिया आपने, उसका नाम एस से शुरू होता है, हाँ। तो वहाँ पे बेसिकली वो प्रोप्राइटर थे, हमें वो लेके गए और उन्होंने घर दिखाया। तो अब मैं वो वाला इंसान हूँ घर का सबसे छोटा, कि जो कभी कमरा सेलेक्ट करता नहीं था। खैर, तो मैं उस घर में एंटर हुआ हूँ और मैंने मतलब ऑटोमेटिकली फर्स्ट फ्लोर पे गया हूँ, और जो सबसे बड़ा कमरा था आई सिलेक्टेड दैट रूम, और मैंने कहा कि यार ये कमरा मुझे पसंद है। और उसको हमने वहीं पे जो है ना उसको हमने बयाना पकड़ा दिया, और मेरे जो फैमिली वाले थे दे जस्ट आस्किंग मी कि मतलब क्या सीन है, हम ऑलरेडी घर पे और पसंद कर चुके थे। हाँ, तो कमरा जब सेलेक्ट किया तो उसके बाद हम बेसिकली वहाँ शिफ्ट हो गए। फैमिली परेशान हुई कि इतना क्यों पुश कर रहा है, एंड इवन आई डिड नॉट नो कि मैं क्यों इतना पुश कर रहा हूँ, बट खैर बड़ी ज़िद हुई। हमने कहा घर हम यही वाला लेंगे, हमने खैर परचेज़ किया उसको। और मतलब जिस तरह एक होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, घर परचेज़ करती है, बड़ी खुशी होती है, हम मूव करते हैं सब कुछ, तो हम वहाँ मूव कर गए। खैर, तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है मुझे ख्वाब में, हर रोज़ ख्वाब में मुझे एक औरत का अक्स दिखना शुरू हो गया, ठीक है। और मतलब बूढ़ी सी औरत थी, कभी जवान कभी बूढ़ी, और सफ़ेद बाल, और मतलब वो हंस रही होती थी ख्वाब में हमेशा। तो मैं उस ज़माने में मतलब पार्टी अच्छी खासी करता था, तो आई यूज्ड टू बी थिंकिंग के मतलब हाय हूँ या कोई और सीन है, तभी ये सब का सीन हो रहा है। खैर वो चीज़ एक चलती गई अच्छी खासी फॉर अबाउट 6-7 मंथ्स। उसके बाद जो है सीन ये शुरू हुआ कि मेरे जो कारोबार की चीज़ें थी दे स्टार्टेड गोइंग लाइक डाउन हिल फॉर नो रीज़न। मतलब कि हम जो चीज़ अगर बिक रही है 10 रुपए की, तो हम वो 2 रुपए की बेच रहे हैं, और हम बड़ा खुश हैं उसके अंदर, मैं मेरा पार्टनर हम बहुत खुश हो रहे हैं उसके अंदर। इस तरह की चीज़ें मतलब रिडिकुलस किस्म की चीज़ें हमारा होना शुरू हो गई। और एट द सेम टाइम मेरे ऑफिस में मेरे मुलाजिम सोते थे रात को, 3-4 गार्ड थे वो सोते थे, तो उन्होंने कुछ फ़ोन किया तकरीबन रात 4 बजे के, साहब किसी औरत के चीखने की जो ना आपके चैम्बर से आवाज़ आई है बहुत ज़ोर की। तो खैर आई श्रग्ड इट ऑफ उस टाइम पे। तो फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर के अंदर चीज़ें होना शुरू हो गई कि मेरे कमरे से मतलब वो सड़े हुए गोश्त की स्मेल जो होती है वो आना शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे घर में चीज़ें अजीब हो गई, जैसे गायब होना शुरू हो गई, गायब हो रही हैं आ रही है। मेरे घर में कैश बहुत होती थी, कैश गायब हो जाती थी, कैश आ जाती थी। ये सब कुछ तकरीबन कोई 8 महीने के सफ़र के अंदर हमारा ये तो होना शुरू हो गया। तो और इस टाइम तक आई वॉज वेरी मतलब डाउन टू, मेरी तबीयत को भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर होना शुरू हो गया था। इस वक्त सो के मैं कोई 2-3 दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुआ बड़ा मेजर तरीके से। तो फिर मैं लाहौर में था, तो मुझे एक रिलेटिव का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि आप जो है ना पहली फ़्लाइट लें तो वापस आ जाएँ। ऐसा एक ओके समथिंग माइट हैव हैपेंड। तो मैं वापस आया हूँ, दिस इज़ जैन 2022। तो मैं लाहौर में था, मैं लाहौर से खैर वापस आया, तो वो कहते हैं कि जी हमने आपका चेक कराया तो आपके ऊपर जो है ना सिफली अमल हुआ हुआ है। तो ऐसे एक ओके गुड, उस वक्त तो और कुछ नहीं कह सकते, यही समझ आया। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी एज क्या थी? सर आई वाज अराउंड 28 एंड सिंगल, सही 28 एंड सिंगल, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा जी सही है। अब इसके बाद जो है हमने उन्होंने जो भी पढ़ाई का सिलसिला वगैरह होता है वो शुरू किया सब कुछ। उन्होंने कहा कि सिफली अमल है और इसमें तोड़ नहीं होता है, आपको नमाज कुरानी पढ़ना पड़ेगा हर चीज़। तो हमने वो शुरू किया, तो वो चीज़ उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, ठीक है। अब मेरे अंदर थोड़ा सा कीड़ा है तो पूरा निकालना भी था, तो मैंने जो है ना बहुत तरफ से लोगों को अप्रोच किया, और हम किसी को कुछ भी नहीं बताते थे, हम उनको सिर्फ घर बुलाते थे। मेरे मुलाजिम जो थे वो ले जाते थे मज़ारों पे, या जो हम आमिल होते हैं उनको वो लेके आते थे। और वो उनको बस वो बैठ के फिर पढ़ते थे। तो हर हमें तकरीबन हमने कोई तकरीबन 8 लोगों को बुलाया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 8 के 8 ने एक ही चीज़ बोली कि एक हिंदू औरत है और 2 मुसलमान लड़के हैं जो आप पे बेसिकली आपके लिए भेजे गए हैं, और जो पर्पज़ था वो यही था कि कारोबार डब करें और फिर इवेंचुअली आइसोलेट कर दें, फैमिली से दूर कर दें, एंड देन दे विल टेक द लाइफ। ये उनका पूरा एक प्लान था, और ये हमें 8 के 8 लोगों ने सेम टू सेम बात बताई। और उसमें एक हमने बुलाए थे जो चावल के दानों से ना हिसाब लगाते हैं बेसिक। अब मुझे नहीं पता, ये लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं पता, हमें भी तो ही बच रहा था। तो वो चावल के दानों से हिसाब लगाते हैं, सही है। तो उन्होंने वो एक हमें हिसाब निकाल के दिया, तो वो 7 का हिंसा था। फिर उन्होंने हमें डेट बताई कि 11 जनवरी 2021 को जो है ना आपके ऊपर ये किया गया, आपको मिठाई खिलाई गई थी, ठीक है। तो मुझे कैटेगोरी के लिए याद आ गया किसने खिलाई थी, कहाँ खिलाई थी, वो मुझे पूरा याद आ गया। तो हमें तो उस वक्त पता था किसने किया, एंड जस्ट बाय द वे दैट पर्सन हैज पास्ड अवे, ना अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ही पास्ट अवे इन अ रोड एक्सीडेंट इस्लामाबाद के अंदर। तो वो उन्होंने हमें बताया, तो वो मुझे याद आया कि हाँ मैंने मिठाई खाई थी। मैं मिठाई खाता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे वो खैर याद आया सब कुछ। अब इस सीन के बाद जो है ना शुरू ये हुआ कि हमें घर के अंदर वो फिज़िकली दिखना शुरू हो गए तीनों। हम बैठे होते थे तो वो ऊपर की स्टेयर से उतर के नीचे आते थे और हमें देख के हंस के बाहर चले जाया करते थे। तो हम बेसिकली पूरी फैमिली नीचे शिफ्ट हो गई ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर का फ्लोर ही हमने निकाल इस डर से, क्योंकि मेरे कैमरे का सीन ये था कि आई अनफॉर्चुनेटली स्विच माई फ़ोन वेरी रिसेंटली। तो मैं तस्वीर नहीं है होगी, मैं आपको ईमेल करूँगा आपको, हमने पिक्चर भी लिया। मेरे कमरे में लाइटें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी अच्छी खासी, ठीक है। और उस दौरान जब हम अपने कमरे में जाते थे ना तो पिक्चर्स भी लेते थे ना, उनमें अंधेरा आता था। अब मुझे नहीं पता लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है, बट मेरे अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी लोगों ने ये चीज़ देखी है कि वो जितनी भी कमरे में चिरागा हों तो एक डार्कनेस सी आती है कमरे में, ठीक है, वो होता था। और मेरे कमरे में जब एंटर होते थे तो एक फीलिंग आती थी जैसे बहुत गुस्सा है, जैसे आप मतलब आपके साथ अगर कोई आपका दोस्त ही बैठा है वो गुस्सा हो तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है। तो कमरे में वो फील होती थी अच्छी खासी, चाहे दिन को जाएँ चाहे रात को जाएँ। तो इसी दौरान जो है बेसिकली हमारी मासी है वो ऊपर गई है मेरे कमरे में, तो वो चीखते हुए नीचे आ गए और वो कहती है कि कमरे में तीनों बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं मेरे कमरे। हाँ वो कह रही है वो टीवी मतलब बेसिकली मेरे बेड के बिल्कुल सामने टीवी लगा हुआ था। तो वो नीचे भागते हैं कि वो रेडियो सुन रहा हूँ, मिनहाज भाई का शो लगा हुआ है वो सुन रहे हैं। नहीं, वो बेचारी वो जो है ना वो भी हालांकि बड़ी उम्र की मासी, कोई छोटी बच्ची भी नहीं कि वो कोई आउट ऑफ द ब्लू बात बोल दे। वो भागते हुए नीचे आए कि जी वो जो है ना टीवी देख रहे हैं ऊपर बैठे कमरे में, ठीक है। अब हमें नहीं पता वो टीवी देख रहे थे अब बस बैठे हुए थे, वो डर के नीचे आ गए। खैर ये सीन एक हुआ हमारे साथ। फिर तकरीबन ये बात आती है अराउंड सितंबर 22 की बात है। सितंबर 22 में अगेन नहीं सॉरी अक्टूबर 22 मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। तो मुझे फ़ोन आता है रात तकरीबन 3:30-4 का टाइम का फ़ोन आता है कि मेरी जो बहन का कमरा है उसमें उसके एक ड्रॉर के अंदर पुराने सेल फोन्स पड़े हुए थे। ये उनके अंदर बैटरीज भी नहीं थी, वो बस पुराने फ़ोन्स पड़े हुए थे और वो सालों से बंद था। और उस फ़ोन में कॉल आ रही थी बगैर बैटरी के फ़ोन में, वो तो डेड होगा बिल्कुल डेड फ़ोन था, उसमें कॉल आ रही थी। तो जो हमारे मेरे अच्छे खासे गनमैन थे कराची में, क्योंकि हमारा कारोबार कुछ इस तरह का था, तो वो सारे भागते ऊपर गए। उस वक्त हमारे घर में मर्द कोई नहीं था अनफॉर्चुनेटली, उस टाइम पे वाले साहब भी ट्रैवल कर रहे थे। तो वो जितने गार्ड वगैरह थे वो ऊपर भाग के गए हैं कमरे में। तो जब उन्होंने वो फ़ोन उठाया तो उस पर बेसिकली नंबर से कॉल आ रही थी किसी, तो जब तक उन्होंने उठा के उसको मतलब उठाने की कोशिश की है तो वो बंद हो गया। और उन्होंने जब उसको रखा है तो 2 फ़ोन और पड़े थे वो बजना शुरू हो गए। तो उसमें मतलब नंबर क्या आ रहा था, नंबर्स आई डोंट नो, आई वॉज नॉट देयर, आई जस्ट गॉट टू नो कॉल पे के फ़ोन बजे ऊपर कमरे में। और जब वो दूसरे 2 फ़ोन बजे हैं तो उनकी भी मतलब हालत, जितने बड़े वो गनमैन हो वो होंगे बाहर ज़मीनों पे, लेकिन वो उनकी हालत भी पतली हो गई और वो भी भाग के नीचे आए। और उन्होंने फिर मतलब अम्मी वगैरह को कहा कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाएँ, भाई हम रात के घर के बाहर बैठेंगे, अंदर भी नहीं बैठेंगे, आप बुलाएं किसी को तो आप लोग जाएँ यहाँ से। तो उसमें खैर दे हैड टू लीव द हाउस। और वो जब उन्होंने जो उस दिन रात की बातें बताई हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि पूरा टाइम ऊपर से जो है ना मेरे कमरे की खिड़की बेसिकली लॉन में खुलती थी, लॉन की साइड जो है दरख्त जहाँ पे पोर्च के साथ छोटा सा लॉन बना हुआ। तो वो कहते हैं पूरा टाइम जो है ना वहाँ से हंसने की आवाज़ आई है रात को, सही है। और इसके बाद जो है आई फेल्ट कि हमें मतलब इलाज थोड़ा अग्रेसिव कराना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मतलब मैं तो ऑफकोर्स आपको बहुत सी लिमिटेड सी स्टोरी बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। वो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत थी, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। गाड़ी में दिखते थे कभी एक बार बैठे हुए पीछे तीनों, और मज़े की बात यह कि वो तीनों एक साथ दिखते थे, अकेले कभी नहीं दिखते थे, चाहे वो मेरे सामने आए या मेरे वालिदैन के सामने आए, वो तीनों को ही दिखते थे, तीनों और वो इंसानी रूप में ही होते थे। बिल्कुल नहीं इंसान की तरह, टोटल इंसान, मतलब जिस तरह एक नॉर्मल औरत होती है ना वही औरत। और नॉर्मल और लड़के जो थे ना मैंने खुद देखे हैं, मतलब आई वुड नॉट लाई अबाउट दिस, मैंने खुद देखे, मतलब साफ सुथरे जेट ब्लैक बाल और सांवला रंग और टी शर्ट और जीन्स में वो होते थे। ये हुलिया उनका हमें रटा हुआ है, ये हुलिया उनका तीनों का। और औरत जो होती थी वो घाघरा टाइप ड्रेस नहीं होता जो उसमें होती थी, वो सही है। और वो ख्वाब में तो रेगुलर उनका था ही आना, सही है। 2023 के अंदर फिर आए लेफ्ट द कंट्री बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप इस ज़मीन से दूर हो जाओ, क्योंकि बहुत सख्त किस्म का अमल आप पे किया गया हुआ है। एंड अराउंड द सेम टाइम हमें पता चला कि भाई जिस लड़के का हम पे शक था, हमें तो वल्ले आलम नहीं पता, खुदा बेहतर जानता है, उसकी ज़ात सबसे बड़ी है, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन जिसका हमें था कि उसने मिठाई खिलाई है, उसका डेथ हुआ इस्लामाबाद में रोड एक्सीडेंट के अंदर, उसका हमें पता चला, ठीक है। 2023 की बात कर रहा हूँ या तकरीबन फेब मार्च की बात कर रहा हूँ आपसे। और इसके बाद जो है फिर एक स्वात से मौलवी साहब बुलाए गए, स्वात KPK में जगह है, वहाँ से वो आए और उन्होंने आके ना हमारे जो पिछला घर था वो घर शिफ्ट कर दिया गया था उसके बाद, तो जो घर था उन्होंने उसकी जब पढ़ाई की तो उन्होंने बताया कि ये जो घर है जिस कमरे को मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे बेसिकली ख़ानदान बसता है, ठीक है। तो एक तो वो जो ख़ानदान था उसका जो मौकल मेरे लिए भेजे गए थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी, और जो वो ख़ानदान है उसकी हिस्ट्री भी यही है कि वो किसी को छोड़ता नहीं है। फिर हमने उसका डिग इन किया उस पास्ट का घर के, तो जो हमसे पिछले रहते थे वो बेसिकली पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे, पॉलिटिक्स में ही थे, इनफैक्ट MPA थे उस वक्त। उनसे पूछा, वो भी इत्तेफाकन हमारी उनकी वो पार्टी थी जिसमें तीर है, हाँ 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 बिल्कुल। और वो इत्तेफाक की बात है कि वो भी हमारे एक ब्लॉक से छोड़ के शिफ्ट हुए थे जहाँ से हम पहले यहाँ शिफ्ट होकर आए थे इस घर में, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से। तो खैर वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ी आसानी से निकल गया। उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, सेहत ख़राब होना शुरू हुई, चीज़ें होना शुरू हुई, और मतलब तबीयत टू द पॉइंट ऑफ कैंसर पहुँच गई थी, ठीक है। अब मेरी तबीयत का भी यही सीन था, मतलब कि लोअर एब्डोमेन के नीचे जो मसले आपको हो सकते हैं वो हो चुके हुए थे, ठीक है। और उससे पहले वाले जो थे उस फैमिली में दो इंतकाल हुए थे इस घर की वजह से, तो उनकी सिर्फ दादी और वाइफ जो थी वो रह गई थी। हमें बड़ी मुश्किल से उनका कांटेक्ट मिला, तो वो दोनों US में होते हैं। उनसे बात की तो उनकी वाइफ ने, जो अम्मा जी थी, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि जिस बच्चे पर असर है मैं सिर्फ उससे बात करूँगी, मैं इसके अलावा किसी से बात नहीं करूँगी, सही। तो वो बेसिकली वो भी ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहती थी और वो पढ़ती बहुत थी, तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट था। जो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने फिर यही बताया कि भाई वो तकरीबन 12 से 13 हैं उस कमरे के अंदर, ठीक है। और वो जो आता है ना बस वो खुशी छीनते हैं घर की। अब ये चीज़ें हम जिस पे गुजरती है वो अलग तरीके से समझता है और दुनिया अलग तरीके से समझती है, तो यू नेवर रियली नो कि क्या समझाएं क्या नहीं समझें। तो जो हमने समझा वही था। उन्होंने कहा कि आप बड़े खुश नसीब हो गए, आप सही टाइम पे निकल गए वहाँ से, क्योंकि मैंने अपना मियाँ और बेटा दोनों गवाए उस घर के अंदर। बेसिकली उनके हस्बैंड और उनके बेटे दोनों को कैंसर हुआ और वो दोनों मर गए, एंड दोनों उसी घर में मरे। और मतलब उनके फाइनेंशियल हालात ये थे कि वो बंदा जो है, आई एम नॉट गोना नेम हिम, वो HBL में काफ़ी हाई पोजीशन पे होता था, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं था। ही वेंट बैंकक्रप्ट अंडर लोन्स एंड देन ही गॉट कैंसर एंड पास्ट अवे इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, ठीक है। और ये चीज़ हमने फिर एक HBL में, हमारे बड़े से जाने वाले होते हैं, हमने उनसे क्रॉस वेरीफाई की, उन्होंने भी कंफर्म की कि हाँ इसका यही सीन था, ये पहले आउट हुआ है मेडिकली, उसके पास के हालात बुरे हुए हैं एंड ही बस एक सीन हो गया। उसके बाद फिर वो सीन चलता ही रहा हमारे साथ तकरीबन इस तरह से कि मतलब कहाँ यूरोप है कहाँ पाकिस्तान है। मतलब खिड़की के बाहर मुझे आवाज़ आती थी, वो उसकी एक सर्टन आवाज़ थी बेचारे मेंबर उस औरत की, वो मेरे रूम के बाहर से आवाज़ देती थी, अहमद अहमद अहमद, ठीक है। तो मैं नहीं दिखता था बाहर, मैं कहता था जाने दो। हम आयतुल कुर्सी पढ़ के वापस हुए थे, यासुर्रहमान लगा के फ़ोन में सो जाया करता था। फिर 2024 के अंदर, अभी इस साल के अंदर अप्रैल के अंदर मुझे इत्तफाक हुआ उम्रा करने का। तो जब मैं उम्रा किया तो मैंने काबा पे हाथ रख के दुआ की कि अल्लाह जो भी चीज़ है ना मेरी, इससे जान छुड़ा दे, और अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने बड़े दिल से दुआ की एंड बिलीव इट और नॉट कि हम उसके बाद जब वापस पहुँचे हैं और मैं आया हूँ अपने घर में। द फर्स्ट नाइट आई स्लेप्ट, रमज़ान था, आई रिमेंबर क्लियरली। मैं सोया हूँ तो मुझे ख्वाब में पूरा मंजर आया कि किस तरह से वो जादू मेरे पर कराया गया। बेसिकली वो उस ख्वाब में जो चीज़ मुझे दिखी थी ना, वो ये थी कि एक 4 स्क्वायर टेबल था, ठीक है, और उसके सेंटर में एक दिया जला हुआ था, सही है, और उस दिए के साथ जो है ना कुछ हड्डियाँ थी और मेरी एक कैप पड़ी हुई थी। वो कैप भी मेरी घूमी थी घर से ही, और वो मेरी बड़ी पसंदीदा कैप थी। वो कैप मुझे दिखी उस टेबल पे, एक साइड पे हड्डियाँ और बीच में दिया जल रहा था, ठीक है, और सामने एक बहुत ही अजीब व गरीब हालत के अंदर कोई एक औरत बैठी हुई थी जो कुछ पढ़ रही थी और हंस रही थी। और थोड़ी मतलब उसकी ख्वाब के अंदर, मतलब लेटेंसी के अंदर थोड़ी देर में ही वही जो औरत मुझे दिखती थी वो उस टेबल से बाहर आई है, और फिर वो टेबल टूट गया, सही है, और टेबल टूट गया और वो रोने लगी है, वो दिया भी बुझ गया, वो रोने लगी है। फिर उसके बाद कंसेक्टिवली 3 दिन मुझे ख्वाब आए, वही औरत मुझे दिखी ख्वाब में, जिस पोजीशन में वो होती थी वही पोजीशन थी, लेकिन अब इससे कपड़े काले हो गए थे और उसका सर नीचे था और वो रो रही थी। तो हमने फिर उनसे रब्ता किया, जिन साहब ने हमारे लिए दुआ वगैरह की थी सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि अब जो है ना तकरीबन ये असर आपका मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अभी आपको हार्म नहीं कर सकती। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये सिफली अमल क्या है, तो उन्होंने समझाया नहीं, मैंने जो रिसर्च की सब कुछ था, जो हमें समझ आया वो ये था कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता सिफली अमल जो है। दिस इज़ लाइक आप जितनी नमाज पढ़ोगे, परहेजगारी करोगे, उतना आप इससे बच के रहोगे, जितना आप दूर होते जाओगे और आप परहेजगारी से हटोगे, उतना वो आप पे फिर आना शुरू करेगा। तो हम तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अब मजहबी हो गए, हमारा ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ हमने फ़ील की है सेहत के लिहाज से, दिखने के बारे में, हर चीज़ के लिहाज से वो बड़ी थी। और मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि आप मतलब कारोबारी आदमी हो, उस उम्र के बाद से मेरा जो बिज़नेस था वो स्टेबल चल ही रहा था उसके बाद, तो जब से नमाज़ें करना शुरू की थी, लेकिन उस उम्र के बाद से मेरा बिज़नेस लाइक मैनी फोल्ड्स ऊपर गया, मैनी फोल्ड्स। एंड जब आप कारोबार करते हो ना, आपको पता होता है कि मैनी फोल्ड कब हो रहा है और नॉर्मल कब हो रहा है। तो आई नो क्लियरली कि पोस्ट मे 2024 जो पिछले महीनों में जो सीन हुए हैं, वो मतलब आउट ऑफ द ब्लू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए आप सबको। तो ये एक सिचुएशन थी जो हमने देखी, गुजारी एज अ फैमिली, और इसमें मेरे जो मुलाजमीन थे उन्होंने भी देखी, उन्होंने भी गुजारी। और आई जस्ट विश के लोग ये जादू ना कराएं किसी के ऊपर। मुझे नहीं पता क्या हासिल होता है किसी को ये करा के, लेकिन इतना ज़रूर समझ आती है कि घर ज़रूर तबाह हो सकते हैं इस चीज़ से। तो अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि किसी को गिला शिकवा हो तो लड़ ले आके, मसला नहीं है। ये ना कराए। अच्छा अहमद साहब भाई, अभी तो आप आयरलैंड में, राइट? नहीं, लिस्बन, सॉरी सर। अच्छा, आप जो है ना अपनी ये जो आपने अभी पूरी दास्तान बताई है, जब हमारी स्ट्रीम ख़त्म हो तो अपनी कॉल दोबारा सुनेगा। मैं कोई डरा नहीं रहा, एक वहम हो सकता है, कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है सर। लेकिन आपको याद है ना, मैंने आपसे पूछा था कि आप सिंगल हैं, आपने कहा जी मैं 28 साल का था और मैं सिंगल था उस वक्त। जी 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 जी। तो उस वक्त एक मुझे आवाज़ आई थी, अब मुझे नहीं मालूम आप किस जगह पे बैठे हुए, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई मौजूद हो इर्द गिर्द, आप अकेले हैं क्या है? हाँ। लेकिन मुझे पर्सनली मुझे एक किसी की ना, आप बात कर रहे थे और साथ में किसी औरत की भी आवाज़ आ रही थी। अब हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिच हो सकता है कि मेरा वहम हो। नहीं, ये हमारे साथ ऑन ऑफ चलता है, हमारे साथ ये ऑन ऑफ चलता है। लाइक आई सेड कि जिन्होंने हमारा इलाज कराया था, ही टोल्ड मी कि ये जो अमल मेरे ऊपर हुआ है, स्पेसिफिकली दैट अमल की हम बात करेंगे, मैं किसी और के एक्सपीरियंस पे नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो उसमें उन्होंने हमें वो दवाई दी हुई है कमरे के दरवाजे पे पेश करने की, घोड़े की नाल होती है जो पैर वाला शू होता है, वो और चीज़ें हैं। तो इतना होता है कि कमरे के अंदर मेरे कभी कुछ नहीं होता। चीज़ें ऑन एंड ऑफ छोटी मोटी हो ही जाती हैं, वो अलग बात है कि अभी आपके साथ पर्सनली बात होगी। तो वी हैव अ फैमिली लिंक एज वेल, बहुत दूर का। तो आई टेल यू मतलब कि हमने मतलब बचपन से इतना एक्सपीरियंस किया कि अब तो कुछ दिखता है भी हम कहते हैं वेरी गुड, आज मेरे का बच्चा था, इतना देखा है बचपन से हमने। तो ये चीज़ें जो हैं बट ये कि होती हैं, बट हमें इतना फील नहीं होता क्योंकि हम पता बचपन से इतनी अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं कि वल्लाह आलम के आपको डर नहीं लगता है चीज़ों से। अल्लाह का बहुत शुक्र है। चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप डर जाए ना तो ये बड़े नेचुरल फिनोमेना। आप मुझसे अगर डरना शुरू कर दें तो फिर मैं आपको डराऊंगा ही ना, बिल्कुल। तो अगर आप डरना छोड़ देंगे ना कोई भी चीज़ है कि हम एज मुस्लिम ये बिलीव करते हैं कि हमें डरना अल्लाह से चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया की हर चीज़ से डरते हैं सिवाय अल्लाह से नहीं डरते। तो ये कानून सारे तोड़ते हैं, सारे गुनाह करते हैं ये सोचकर कि अल्लाह मियाँ तो छोड़ देंगे, ये इंसान नहीं छोड़ेगा, इससे डरो। सही, अल्लाह से हम नहीं डरते, ऑपोजिट करते। So true. अपना ख्याल रखिएगा। और तो इसमें यह है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आल्सो कि मतलब इफ एनीवन नोस मोर अबाउट द सिफली अमल, ठीक है, या अगर आपको हो तो कमिंग शो में। आई थिंक आज तो आपकी वाकई में बहुत देर हो गई है, बट ये कि अगर कोई और इस पर फिल इन करे तो मतलब बड़ा एक आसानी होगी, क्योंकि मैं उस टाइम से अब तक ना मैं एक तजस्सुस में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इसका जवाब ढूंढना है अपनी ज़िंदगी में। क्या ढूंढना है आपने जवाब? सर मैं मतलब ख़त्म करनी है ना इस चीज़ को। मतलब एक ज़िंदगी है, ठीक है, वो एक चीज़ आपसे चिपट गई है फॉर नो रीज़न। एक तो आपकी हो ना ज़िंदगी बड़ी ग्लूमी सी हो, मेरी ग्लूमी ज़िंदगी तो है नहीं, मतलब शुरू से अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि ज़िंदगी एंजॉय की हमेशा से, उसमें ये चीज़ अटैच हो गई है। और अब बड़ा ख्याल करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हैं जहाँ पे ना ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये आज से नहीं है, ये अरसा दराज हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे इमोशन के साथ अटैच है जो जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक हजरत इंसान रहेंगे, वो इमोशन रहेगा, और वो इमोशन है नफरत का। बिल्कुल वो ये एक आपके ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन इमोशन है, जो इसके बगैर कोई इंसान कंप्लीट नहीं है। बस फ़र्क ये होता है, मुझे भी नफरत होती है, आपको भी नफरत होती है, फ़र्क ये है कि कुछ लोग होते हैं नफ़रत में ना वो उस पॉइंट पे चले जाते हैं कि वो किसी और को भी तकलीफ़ पहुंचाने में उनको खुशी मिलती है। बिल्कुल ये चीज़ तो है, नो डाउट। इसका ना कुछ हल नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन बस बचा जा सकता है। और प्रिकॉशंस देखिए, प्रिकॉशंस तो वैसे भी हम सब लेते ही हैं ना। हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम राइट लेफ्ट देखते हैं कि यार गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई हिट कर देगा, तो ये छोटे मोटे प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए। आई थिंक आपकी अगर मेंटल सेफ्टी और फिज़िकल सेफ्टी आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो बेहतर है कि ले लें।